प्लान के मुताबिक बाबूसर टॉप से आते हुए रास्ते में हम लुलूसर झील पर रुके। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यहाँ तो बारबेक्यू करना बनता है, लेकिन एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर खाना पकाना मना है, और यही वजह थी कि लुलूसर झील के इर्द गिर्द का एरिया साफ था। हम सड़क से उतरकर एक वसी डहलवान की तरफ बढ़े। जैसे जैसे नीचे उतर रहे थे, डहलवान वसीतर होती जा रही थी। बुलंदी से हम झील का नील को पानी देख सकते थे, जो हल्की सी जुम्बस से मुसलसल ऐसे लग रहा था जैसे कोई झिलमिल करता नर्म मुलायम सिल्की कपड़ा हो, जिसके एक एक तार को किसी हसीना के हाथों ने बड़े प्यार से बुना हो। मोहनडन और सफल मलुक को अगर रमानवी झीलें कहेंगे, तो लुलूसर झील अपने आप में सहर अंगेज झील है। बाबूसर टॉप और लुलूसर झील बयक्त वक्त रोबदार, पुरजलाल, हैपतनाक, पुरसरार, बेनियाज और हैरत अंगेज हैं। इन सारे अल्फाज का मरकब ज़ाते इलाही ही हो सकती है। बाबूसर के पहाड़ और लुलूसर झील उस हस्ती की ज़ात का ऐलान करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर मैंने दुनिया के खुशकिस्मत तरीन गधे देखे, जो झील की तरफ जाते ही सब्जे से ढकी वसी डहलवान पर घास चर रहे थे। यकीन करें, ज़िंदगी में पहली बार मुझे इन गधों पर रश्क आया जो हर रोज़ इस हसीन तरीन जगह पर आते हैं। मैंने इनकी चंद तस्वीर ली, जिस पर मेरे साथी भी हंसने लगे कि लो भाई, हमसे बेहतर तो ये गधे हैं जिनका फ़ोटोशूट हो रहा है। और उस वक्त मुझे भी ऐसा ही लगा कि वाकई यहाँ के गधे हमसे बेहतर हैं, जो इतनी पुरसकून फ़िज़ा में शाम का वक्त गुजार रहे हैं। शाम सर पर थी। लुलूसर झील के इर्द गिर्द पहाड़ों पर सूरज की अलविदाई रोशनी अजब नज़ारा दे रही थी। मेरा दिल किया कि नीचे जाकर झील के पानी को छुआ जाए, लेकिन मज़ीद नीचे जाने का मतलब था कि मज़ीद वक्त। यूँ तो हमारे ड्राइवर को अपने काम में महारत हासिल थी, लेकिन वो थोड़े बुज़ुर्ग थे और अंधेरा होने से पहले होटल पहुंचना चाहते थे, तो उनके कहने पर हम वापस हो लिए। हाय अफसोस, लुलूसर झील को वक्त की कमी की वजह से ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी। झील की हैरत अंगेजी को अलविदा कहते हुए मैंने कहा कि दिल अभी भरा नहीं, अभी खालिश बाकी है, इसलिए दोबारा आना पड़ेगा। वापसी का सफ़र यही सोचते हुए गुजरा कि जब दोबारा आऊँगी तो कम अज़ कम 5-6 घंटे तो यहाँ लाजमी काम करूँगी, क्योंकि झील के बहुत से राजों से पर्दा उठना बाकी था। लुलूसर झील को मैं बाबूसर की बहन कहती हूँ, क्योंकि बाबूसर टॉप की तरह ये झील भी बारोब है। दूसरे दिन हमने लालाजार और झील सैफुल मलुक की तरफ सफ़र किया। लालाजार का रास्ता एडवेंचर से भरपूर है। मकामी ड्राइवरों की महारत है कि वो आपको सलामती से ले जाते हैं। याद रहे, मुश्किलात और एडवेंचर में फ़र्क होता है, जो हमारे देसियों को समझने की बहुत ज़रूरत है। हम अक्सर एडवेंचर के नाम पर मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं। लालाजार पर हम बेवक्त पहुँचे थे। वहाँ जाने का बेहतरीन मौसम मई के बाद का होता है, जब वहाँ फूलों की बहार होती है, लेकिन हमने वहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। फूल कम लेकिन सब्ज़ा बहुत था। पहाड़ों, दियो का मत दरख्तों और सब्ज़े से गिरा लालाजार। वहाँ सब ने खूब सेल्फियाँ ली, और कुछ देर वहाँ रुकने के बाद हम झील सैफुल मलुक की तरफ रवाना हुए। रास्ते में दरियाए कन्हार में राफ्टिंग के लिए रुके, और ये मेरी ज़िंदगी की पहली राफ्टिंग थी। हम डरे हुए भी थे, क्योंकि हमें दरिया से दूर रहने के लिए खौफनाक हादसात की कहानियाँ सुनाई गई थी, और अब हम उसी दरिया में, जिसने कई इंसानों को निकल लिया था, राफ्टिंग करने वाले थे। बोट इंतज़ामिया ने हमसे एक फार्म पर साइन करवाए, जिसके मुताबिक अगर आज हम गए तो हमारा खून हमारी ही गर्दन पर होगा। और इसके बाद चंद स्किल बताए गए और हमारा जोश बढ़ाया गया और एडवेंचर शुरू हुआ।
बोट में बैठने से पहले हमने प्लान कर लिया कि कैसे कैसे फ़ोटो या वीडियो बनानी है, लेकिन जब पानी में उतरे तो दूसरी बोट से आगे बढ़ जाने और अपनी को उलटने से बचाने के लिए लग गए। अगरचे राफ्टिंग पॉइंट पर पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ ना था, फिर भी हमारी कश्ती एक मकाम पर जैसे उलटते उलटते बची। तब तो शुक्र ही किया, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि लाइफ जैकेट्स तो हमने पहन रखी थी, और जहाँ राफ्टिंग पॉइंट था वो कदरे महफूज एरिया था, तो एक बार कश्ती उलट ही जाती, लगे हाथ इसका भी तजर्बा हो जाता। खैर, ये तजर्बा पहले से मोहब्बत की तरह था, जो हमें ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। मैं पहली बार जब यहाँ आई थी तो ये इलाका बर्फ़ से ढका हुआ था, इसलिए झील सफल मनुख तक नहीं पहुँच पाई थी। अब की बार जीप हमें झील तक ले गई। आज 14 अगस्त थी, इसलिए सयाहों के साथ साथ मकामियों का भी रश था, और यहाँ फ्लश सिस्टम की गंदगी उफ इंतहा पर थी। यही नहीं, ढाबों पर चाय के कपों पर से हसीनाओं की लिपस्टिक साफ करने की भी जहमत नहीं की गई थी। दूसरी तरफ बचपन में झील सैफ़ुल मुल्क की जो कहानियाँ पढ़ी थी उसके मुताबिक झील की सराउंडिंग अब वैसी नहीं थी। झील के किनारे सयाहों और मकामियों की वजह से बेइंतहा कचरा फैला हुआ था। मेरा भांजा खेलने के लिए अपने साथ कुछ खिलौने मछलियाँ लेकर गया था, तो पहले हमने झील के किनारे 4-5 फीट तक सारा कचरा उठाया, यानी रैपर्स और डायपर्स इकट्ठे करके उसको साफ़ किया। फिर वो कहने लगा कि मासू, आप लोगों से सोशल मीडिया पर कहना कि लोग यहाँ गंद ना डालें, क्योंकि ऐसे मछलियाँ मर जाएंगी। मैंने उससे कहा कि आप खुद ये पैगाम दो, और फिर हमने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके अपलोड किया। अगर गंदगी, टापों और पार्किंग की वजह से झील की सराउंडिंग का हुसन दब सा गया था, ताहम झील का लैंडस्केप बिल्कुल वैसा ही था जैसे पड़ा था। पहाड़ों के दामन में शफाफ पानी की झील,